हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल तनुजा बाई स्टडीज आफ्टर टॉकिंग अबाउट द फ्लोरल फॉर्मूला एज वेल एज द डाइग्राम नाउ लेट्स टेक वन बाय वन ऑल द फैमिलीज प्लांट फैमिली सो फर्स्ट प्लांट फैमिली विच वी आर टेकिंग दैट इज द फेबेसी ओके दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पी फैमिली मतलब पी आप पी ग्रैम बीन ये जितनी भी हैं पल्सिस की फैमिली दे ऑल कम्स इन दिस वन अर्लियर इट वॉज कंसिडर अ फैमिली दैट इज कॉल्ड द पेपीलियोनोइडी Papilio, no idea. Okay, fine. But later on, it is a subfamily of the family which what leguminosae. ओके सो लेग्यूमिनस फैमिली को ये बिलोंग करते हैं लेग्यूमिनोसी को और उसमें हम जो एग्जांपल इसको हम समझेंगे दैट इज दी पी प्लांट के थ्रू ओके सबसे पहले हम सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं फिर उसके बाद हम इसके डायग्राम एज वेल एज फॉर्मूला को देखेंगे हैबिटेट मत हैबिट यानी कि इस फैमिली में ट्री भी होते हैं हर्ब्स श्रब्स एज वेल एज दी क्लाइंबर्स जो सपोर्ट लेकर चढ़ते हैं ऊपर ओके okay? रूट कैसा होता है इसमें टैप रूट सिस्टम होता है एज वेल एस उस रूट में क्या प्रेजेंट होती है रूट नोड्यूल्स इफ़ यू नो रूट नोड्यूल्स का काम क्या होता है दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन ओके विद दी हेल्प ऑफ अ बैक्टीरिया कॉल्ड द राइजोबियम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चर द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फियर और फिर उसको फिक्स करके क्या करते हैं प्लांट को प्रोवाइड करते हैं ओके सो पे रूट में जगह जगह क्या होते हैं नोड्यूल्स ओके सो वेल एन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज द रूट नोड्यूल्स ओके नेक्स्ट इज वॉट स्टेम सम आर हैविंग इरेक्ट स्टेम एंड सम आर आर इफ दे क्लाइंबर्स तो यहाँ पे क्या होगी जो स्टेम होती है वो वीक होती है एंड दे आर एक्टिंग एज अ क्लाइंबर्स ओके लीव्स कैसी होती है ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट मीन मतलब वॉट कि कैसे प्रेजेंट होगी एक यहाँ पे एक नोड पे एक लीफ प्रेजेंट होगी दूसरे नोड पर यहाँ पर दूसरे डायरेक्शन में लीफ प्रेजेंट होगी इट्स लाइक दिस तो इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट ओके देन स्टिपलेट यानी कि लीफ जहाँ भी अराइज हो रही है वहाँ पे स्टिप्यूल्स प्रेजेंट है सिंपल और पिनेटली कंपाउंड दोनों तरह से लीफ प्रेजेंट होती है इधर इट कैन बी सिंपल और कंपाउंड लीफ कंपाउंड में भी पालमेट एंड पिन्नेट होता है उसमें से कौन सी है ये पिन्नेटली कंपाउंड एंड द वेनेशन इज व्हाट रेटिकुलेट मतलब कि वेन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें कैसा होता है रेटिकुलेट होता है पैरल नहीं होता है फाइन वन मोर थिंग क्या होता है यहाँ पे जो लीफ बेस होता है ये कैसी होती है यहाँ पे स्वेलन होता है लीफ बेस ओके जिसको बोलते हैं पल्विनस क्या बोलते हैं पल्विनस क्लियर फ्लॉर्स का अरेजमेंट क्या होता है इट इज दता है ये वाला कि यहाँ पे पेडनकल है और जो फ्लॉर्स है नीचे जो है ओल्डर फ्लॉर होंगे फिर उसके बाद स्मॉलर यानी क्या होंगे सेंटर की तरफ जाते जाएंगे ओके फाइन इट टूवर्ड्स देंटर दैट इज कॉल्ड द रेसीमोस इन फ्लोरिस नेक्स्ट इज वॉट फ्लार में भी यहाँ पे स्पाइक मिल सकता है या रेसिमी पेनिकल मिल सकता है ओके फ्लार इसमें कैसा होता है ब्रैक्टेट यानी कि ब्रैक्ट्स प्रेजेंट है जैगोमोफिक इट मीन्स इट इज डिवाइडेड ओनली टू इक्वल हाफ एट एट ओनली वन प्लेन ओके मतलब कि कौन सी है बाईल दे आर बाई सेक्चुअल यानी फीमेल एज वेल एज मेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट है हाइपोग यानी कि जो ओवरी है दैट इज ऑन द टॉप पोजिशन और बाकी जो रोल्स है मतलब कैलिक्स कोरोला एज वेल एज इंड्रोसियम ये नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं पेंटामेरस यानी कि फ्लॉर की कितनी पेटल्स प्रेजेंट है मतलब फ्लार का यहाँ पे दैट इज दाइव पेटल्स प्रेजेंट ओवर है ओके कम टू दैलिक्स यहाँ पे कितना है सेपल्स फाइव है एंड दे आर गैमो एज आई टोल्ड यू गैमो इज वॉट फ्यूज दे आर यूनाइटेड गैमो द एस्टिवेशन यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट होता है वेलवेट एस्टिवेशन फाइन मतलब कि कोई भी मार्जिन एक दूसरे को आउटर uh, या इनर नहीं रहेगा सब इक्वल रहेंगे ओके कोरोना यहाँ पे पैटल्स फाइव है बट दे आर पॉली इट मींस दे आर नॉट जॉइंटेड एंड द एस्टिवेशन इज वॉट वेगजिलरी एस्टिवेशन ठीक है वेगजिलरी इफ यू नो यहाँ पे क्या होता है एक स्टैंडर्ड बाहर की तरफ होता है दो अंदर विंग्स होते हैं अंदर यहाँ पे दो केल होते हैं जो ज्वाइंटेड होते हैं सो दिस इज हाउ फाइव पैटर्स अरेन्ज ओके देन पे कितनी स्टेमिन प्रेजेंटेड है टेन स्टेमिन प्रेजेंट होते हैं दे ऑल आर डाई थी बट वॉट दे आर डाई एडल्फस मतलब कि सारे एंड्रोसियम दो ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे दो ग्रुप बनेंगे फाइन बट यहाँ पे डाई एडल्फस कौन से होता है नाइन प्लस वन यानी कि नाइन स्टेमिन तो एक बंच बना लेते हैं और एक वन जो है वो सिंगल सेपरेटली प्रेजेंट होता है ओके गाइनोसियम दे आर मोनोकार्पिलरी एक ही कार्पल प्रेजेंट है ओवरी यहाँ पे क्या है सुपीरियर जिसको हम कैसे डिनोट करेंगे इट्स लाइक दिस फाइन दे आर यूनिलोक्यूलर एक ही चैम्बर प्रेजेंट है एक ही लोक्यूल प्रेजेंट है एंड द प्लेसेंटेशन इज वॉट दैट इज द मार्जिनल मार्जिनल कैसा होता है यहाँ पे ये यह रिज लाइक -like स्ट्रक्चर होती है फाइन और यहाँ पे ओव्यूल्स इस तरह से प्रेजेंट होते हैं दिस इज कॉल्ड दी मार्जिनल प्लेसेंटेशन तो अगर इस तरह से डायग्राम में दिखाया जाए दिखाएंगे अगर इसको प्रेजेंटेशन को तो इट विल बी लाइक दिस विल शो लाइक दिस ओके

फाइन यहाँ पे हो गया पेंटामेनस दैट वी विल नॉट शो कैलिक्स सबसे पहले तो सिंबल क्या होता है के कि, कितने सेपल्स प्रेजेंट है फाइव सेपल्स प्रेजेंट है तो आई एल शो फाइव बट दे आर गैमो सैपल्स सो आई एल शो बाय अ ब्रैकेट ओके फाइन फिर हम की बात करते हैं पेटल्स हैं ये कितने हैं फाइव कोरोला में पेटल्स फाइव हैं बट दे आर पॉली तो इसके आगे हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे ये जो मैनेशन एस्टिवेशन है ना इसको हम डायग्राम में शो करेंगे एंड्रोसियम स्टेमेंस टेन है तो एंड्रोसियम बट ये क्या है डाई एंड नाइन प्लस वन का अरेंजमेंट है इसमें से जो नाइन है ना ये भी क्या है फ्यूज है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी नाइन बट दे आर फ्यूज तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया प्लस वन अंडरस्टूड समझ में आया ये वाला ओके okay? उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं हम गाइनोसियम की यहाँ पे एक ही है फाइन वो एंड इट्स सुपीरियर तो गाइनोसियम इट्स सुपीरियर तो ये शो कर दिया एंड ओनली वन इज देयर तो आई शो लाइक दिस ओके सो इस तरह से हमने फ्लोर फार्मूला तो इफ यू विल बी गिवेन द फ्लार इंफॉर्मेशन इन रिटर्न फॉर्म सो आई थिंक यू विल बी एबल टू राइट द फॉर्मूला अंडरस्टूड चलिए अब इसके डाइग्राम की बात करते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम पे पता है मदर एक्सेस शो करेंगे ब्रैक्ट्स प्रेजेंट है तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया ब्रैक्ट शो कर दिया ओके okay. अब हम देखते हैं uh, क्या देखेंगे सबसे पहले कैलिक्स कैलिक्स इसमें फाइव है फ्यूज है और कौन सा वेलवेट एस्टिवेशन है तो इसको हम देखते हैं ओके लाइक दिस टू देखिए एंड इसके नहीं एक ऊपर नीचे जाएंगे क्योंकि वेलवेट एस्टिवेशन है थ्री फोर एंड फाइव दे आर सेइंग गैमो फ्यूज है तो इसको हमने क्या कर दिया जोड़ दिया, चलिए अब next देखते हैं ऑफ चलिएवेशन दैट इज वेगिलरी तो मैं क्या करूंगी यहां पे एक शो करूंगी दिस वन एक लार्ज होता है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ओके फिर यहाँ पे दो शो करेंगे हम विंग्स और यहां पे हम दो शो करेंगे केल विच आर जॉइंटेड सी इसको यहाँ पे ऐसे भी लिखते हैं मतलब लाइक ऐसे ना लिख के हम क्या लिखेंगे वन प्लस टू प्लस टू आर जॉइंटेड वेक्सिलरी का हमें पता है तो वी कैन राइट द फॉर्मूला लाइक दिस ओके ओके वी विल नॉट राइट लाइक फाइव नहीं लिखेंगे वन प्लस टू प्लस टू में ब्रैकेट बनाएंगे दैट शोज द फ्यूजन और जॉइंटेड जो यहाँ पे ये यह जॉइंट है ओके okay? नेक्स्ट हम लेते हैं दैट इज दी एंड्रोसियम इसमें टेन uh, स्टेमन से नाइन जॉइंटेड है वन सिंगल है डाई है तो हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड ये टेन हो गया ओके okay? बट मैंने क्या बताया नाइन तो जॉइंटेड है सो दे विल बी जॉइंटेड बाय अ थ्रेड लाइक मतलब एक थ्रेड में जैसे बहुत सारे बीट्स को हमने जॉइंट कर दिया है सो इट विल बी जॉइंटेड और वन है जो सेपरेट रहेगा ओके और लास्ट में हम अब ओवरी को शो करते हैं तो दिस इज आर ओवरी जिसमें कैसा प्लेसेंटेशन है सिंगल है और मार्जिनल प्लेसेंटेशन है यानी कि एक ओवियल यहाँ पर हम इस तरह से शो करेंगे देख हमने क्या किया है ये देखिए ओवियल इस तरह से प्रेजेंट है अगर एक पी को हम देखेंगे मटर को देखेंगे तो इस तरह से प्रेजेंट है तो हमने एक पोर्शन इसको दिखाया है यहाँ पर ओके तो इससे ओव्यूल इसमें अटैच हो गया फाइन सो तो दिस इज हाउ विल शो आ डायग्राम ओके okay? तो अगर हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन मिला देन ऑल्सो वी कैन राइट द फ्लोरल फार्मूला एज वेल एज द डायग्राम ओके या हमें सिर्फ फार्मूला uh, मिला तो उसके बेसिस पे हम डायग्राम शो कर सकते हैं बट वी विल वी शुड नो अबाउट द एस्टिवेशन एज वेल एज द प्लेसेंटेशन ओके तो हम उसको प्रॉपरली बना सकते हैं बट इसके थ्रू इसके थ्रू डायग्राम के थ्रू वी कैन राइट द फॉर्मूला दैट वी कैन डू डेफिनेटली ओके सो दिस इज द पी फैमिली नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पी फैमिली सो दिज ऑल आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस सबसे पहला है पल्सिस एज आई टोल्ड यू मतलब इसमें सारे पल्सिस बिलोंग करते हैं जैसे कि कौन कौन सा पी हो गया ग्रैम हो गया बीन हो गया फाइन दे ऑल कम्स इन दिस कैटेगरी ओके नेक्स्ट इज वॉट एडिबल ऑयल यानि कि इससे ऑयल भी मिलता है जैसे कि सोयाबीन ऑयल ग्राउंडनट ऑयल ये वाले ऑयल भी हम यूज़ करते हैं ओके डाई इससे मिलती है दैट इज़ इंडिगो फो इंडिगोफेरा इससे कौन सा डाई मिलता है इंडिगो डाई मिलता है ओके फाइबर्स सनहम के जो स्टेम होता है दे प्रोवाइड दी फाइबर्स फाइन फोडर लाइक सिबेनिया ट्राईफोलियम एल्फा एल्फ़ा इससे हमें क्या मिलता है फोडर मिलता है They are also used as ornaments like lupin, sweet pea. Okay, they are using as a ornaments. दे आर यू ऑल्सो यूज फॉर मेडिसिन पर्पज लाइक मुल्लैठी जिसके हम मेडिसिन uh, में यूज करते हैं एंड गुआरगम लाइक साइनोपसिस टेट्रागोना लोबा इससे हम गम uh, मिलता है हमें गुआरगम ओके दैट इज ऑल्सो यूज सो दीज आर दीज ऑल आर द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ओके अगर हम मेन मेन इनको ध्यान रखेंगे तो इसके बेसिस पे भी जो क्वेश्चन आते हैं वी वुड बी एबल टू सॉल्व देम ऑल्सो ओकेफ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ पुट योर क्वेरी इन दी कॉमेंट बॉक्स थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो